अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 357 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ईजिली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानब। जी स्टूडेंट्स, हम लोग 357 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानब आ चुके हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ, इन क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग पास्ट असाइनमेंट को लाजमी प्रिपेयर किया कीजिए, क्योंकि मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन असाइनमेंट में से भी लाजमी आ जाते हैं। तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानब। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मदज्जा ज़ैल पर नोट लिखें। इनमें फर्स्ट पॉइंट है खन्नाक और टीबी, सेकंड है पानी से फैलने वाले इन्फेक्शंस, थर्ड पॉइंट है आयोडीन की कमी के असरात व हफाजती इकदामात, एंड फोर्थ पॉइंट है हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फशारे खून के सबाब एंड हफाजती इकदामात। नेक्स्ट पॉइंट है थायामीन के बारे में लिखें, एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल जाने वाले बच्चों और नौजवानों की गजाई ज़रूरियत, एंड नेक्स्ट है पलाग्रा के असरात व हफाजती इकदामात, एंड नेक्स्ट पॉइंट है फास्फेट की कमी के जिस्म पर असरात, नेक्स्ट है लहमियात की कमी और ज़्यादती, एंड नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है हयातीन अलफ की कमी और गैर ज़रूरी इजाफे के असरात। एंड सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गलर की बीमारी किस मादनी नमक की कमी से होती है, नेज इसकी वजूहत, इकसाम और जिस्म पर असरात और इससे बचाव के बारे में बयान करें। एंड थर्ड क्वेश्चन है हामला और दूध पिलाने वाली माओं की गजाई ज़रूरत पर मबनी मेन्यू लिखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस्म में पानी की कमी और ज़्यादती से क्या असरात होती हैं और जिस्म पर क्या अलामात ज़ाहर होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नामनासब गजाइत से क्या अमराद है, पाकिस्तान में तवानाई और लहमियाती नामनासब गजाइत की वजूहत और अकसाम बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, खुराक की कमी को खराब करने वाले जरासीम की अकसाम तहरीर करें, नेज इन जरासीमों की परवरिश में मदद देने वाले अवामल कौन से हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कुंभे के अफराद की सेहत को बरकरार रखने के लिए बोर्ची खाने की सफाई की अहमियत पर तफसील तहरीर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान में बच्चों में इस हाल की क्या वजूहत हैं और इसके अवामल और बचाव की तदबीर तहरीर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़ियाबिस्त किसे कहते हैं, नेज ज़ियाबिस्त से मुंसलिक मसाइल और इनको कंट्रोल पर बहस करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गजाइत की तारीफ और इकसाम लिखें, नेज बच्चों की नशुनुमा परखने के तरीके बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों जवानों और ज़ईफ़ अफराद की गजाई ज़रूरियत में फ़र्क बयान करें, नेज इनके लिए एक दिन का मेन्यू तश्कील दें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, चिकनाई में हल पजीर हयातीन की कमी के असरात और इनसे बचाव के तरीके बयान करें। एंड लास्ट क्वेश्चन है खुराक से फैलने वाली बीमारियों और इनसे बचाव की तदबीर लिखें, नेज फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजिंग में फ़र्क बयान करें। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ 357 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।